जी अस्सलाम वालेकुम। और आज थोड़े से मुख्तलिफ एक टॉपिक पर बात करते हैं। क्रिकेट की कवरेज जिस तरह बढ़ती जा रही है और जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि उसकी कवरेज में भी, तो इंटरेस्टिंग और होते जाती है। और इसी इंटरेस्ट को बढ़ाने में स्टैट्स का बड़ा अहम रोल होता है। जिस तरह क्रिकेट की कवरेज बढ़ती जाती है, उसमें स्टैट्स का रोल बढ़ता जाता है। और इस स्टैट्स को यकीनी बनाने में जो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के होनहार स्टैट्स के माहिर, स्टैट्स गुरु और क्रिकेट के बहुत अच्छे राइटर मजहर अरशद मेरे साथ मौजूद हैं। मजहर, आज आपसे बात करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्टैट्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले क्विकली, जो क्रिकेट की आजकल कवरेज हो चुकी है, उसमें स्टैट्स कितना अहम बन चुके हैं? जी फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर बुलाया और आपसे हमेशा बात करके अच्छा लगता है और आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आप आए हैं। आई थिंक कि काफी ज्यादा पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं ब्रॉडकास्ट में और स्टैट्स भी आई थिंक कि अब काफी एडवांस्ड हो गए हैं। अगर हम पहले चले जाएं आज से कोई 15-20 साल पहले, तो आई थिंक जो स्टैट्स होते थे उनका रोल सिर्फ ये होता था कि किसने सबसे ज्यादा रन किए हैं, किसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल मेरा ख्याल है कि हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, गूगल है, तो आप थोड़ा सा सर्च करें तो आपको कई चीजें जो है वो खुद ही मिल जाती हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो स्टैट्स हैं उसके अंदर कई ज्यादा नई डायमेंशंस आ गई हैं। यानी कि अगर एक बैट्समैन है तो वो किन बॉलर्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, अगर बॉलर है तो वो किस बैट्समैन के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, आपका पेस वर्सेस स्पिन क्या है, आपके ग्राउंड की एवरेजेस क्या है, पावर प्ले की एवरेजेस क्या है, तो ये जो है काफी ज्यादा उसमें अब डिफरेंट चीजें आ गई हैं। और फिर जिस तरह टीवी के जो ग्राफिक्स हैं वो आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। पहले जो है हमें मैक्सिमम सिर्फ स्कोर देखने को मिलता था टीवी के ऊपर या स्कोर कार्ड आता था, तो अब आई थिंक के जो भी लोग कवरेज में इन्वॉल्व होते हैं उसमें कमेंटेटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनकी ये कोशिश होती है कि आपको नई नई एक स्टोरीज और एक नए एंगल्स जो है वो दिखाए जाए। और उसके अंदर आई थिंक स्टैट्स का और ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि नॉर्मली ब्रॉडकास्ट के अंदर जो स्टैट्समैन होता है उसका काम होता है कि उसने कमेंटेटर्स को असिस्ट करना है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कमेंटेटर्स के साथ साथ या जो मैं चीज कमेंटेटर को दे रहा हूँ वो चीज टीवी के ऊपर भी किसी तरीके से नजर आए, क्योंकि कमेंटेटर अक्सर एक बात कर देता है तो वो कई लोग उसको जो है मिस कर देते हैं, लेकिन अगर वही चीज एक ग्राफिक की फॉर्म में आए और उसके ऊपर अगर 10-15 सेकंड बात हो तो उसका एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मजीद जो डायमेंशन आई है इसमें जो है वो काफी ज्यादा स्टैट्स इंप्रूव हो गए हैं, मैं कहूंगा कि पिछले 4-5 सालों में। तो मुश्किल कितना होता है ये स्टैट्स? देखिए जो सतही से स्टैट्स होते हैं कि दिस बैट्समैन वर्सेस एक्स बैट्समैन वर्सेस वाई बॉलर या ए वर्सेस बी, वो तो फिर भी मिल जाते हैं। ये भी मिल जाते हैं कि इसने इस बैटिंग नंबर पे इतने ओवर किए, इतने स्कोर किया या इस तरह बॉलिंग क्या सही किया, बट जिस तरह का स्टैट्स आप निकालते हैं वो एक चैलेंजिंग काम तो ऑफकोर्स होगा। देखिए फिजान, आई थिंक जब आपको शौक हो तो वो चीज चैलेंज नहीं रहती, और आपको भी इस चीज का आइडिया होगा कि आपने भी काफी ज्यादा मैचेस कवर किए हैं, आपके आर्टिकल्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप अगर कोई अपनी ही कोई चीज को कोई आप 1-2 साल के बाद देखें तो आपको थोड़ा फील होता है कि यार इसके ऊपर लगता है कि काफी मेहनत हुई होगी, लेकिन उस टाइम आई थिंक आपको एक पैशन होता है, एक शौक होता है, नो डाउट कि उसके अंदर एक एफर्ट होती है, लेकिन आई थिंक के क्योंकि हम लोगों को शौक होता है उस चीज का तो वो आपको एफर्ट फील नहीं होती। बाकी जहां तक बात है स्टैट्स की, तो आई थिंक के आपको थोड़ी सी मैच से पहले भी तैयारी करनी पड़ती है, आपको चीजों को एंटिसिपेट करना पड़ता है, आपको सिनेरियोज को थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब अगर लेट्स से एक बैट्समैन है अगर उसके 2000 रन होने वाले हैं या 1000 रन होने वाले हैं, तो आपको पहले ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है कि कोई और तो ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने के इससे कम इनिंग्स के अंदर जो है 1000 रन किए हों। तो इसी तरह अगर कोई बॉलर है वो अगर किसी बैट्समैन को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो आपको पहले से ये स्टोरी बना के रखनी पड़ती है कि लेट से कि सईद अजमल है, इसका रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के, पहले से जो है वो तैयार होना चाहिए उसके बारे में, ताकि अगर सईद अजमल उसको दोबारा आउट करता है तो आप फौरन कमेंटेटर्स को बता सकें कि ये इसने इसको इतनी बार आउट कर दिया। या मुझे याद है कि जब कुमार संगकारा जब खेलते थे तो कुमार संगकारा का अजमल के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो उसमें जब भी वो अजमल की बॉलिंग करने आते थे तो हम इस चीज को डिस्कस करते थे कि कुमार संगकारा जो है वो क्यों अजमल को अच्छा खेलते हैं, तो फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार ये क्वेश्चन हो गया स्टैट्स की बेस के ऊपर, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि क्योंकि वो मुरलीधरन को बहुत ज्यादा कीपिंग उन्होंने की हुई है तो उनको आइडिया हो जाता है कि कब दूसरा आ रहा है, कब ऑफ स्पिनर आ रहा है। तो आई थिंक अगर आपको शौक हो किसी चीज का तो वो एफर्ट फिर इतनी फील नहीं होती।
ठीक है, मतलब शौक तो अच्छा, हम अपने खास तौर पे अपने अगर रीजन की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, या चलें पाकिस्तान की बात करें क्योंकि आप पाकिस्तान बेस्ड हैं, इंटरनेशनल के स्टैट्स तो बड़े कीनली फॉलो होते हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके स्टैट्स से उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, हालांकि उन्हीं स्टैट्स की बेस पर प्रॉब्लम हम शायद जज कर सकते हैं कौन सा प्लेयर आगे बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक में भी हमें उतने ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसके स्टैट्स पे भी उतना ही काम करें? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एक एलिमेंट मिसिंग है वो बॉल बाय बॉल का जो डेटा है ना, वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अवेलेबल नहीं है अभी तक। मैं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा जो जो कंपनीज हैं, जिस तरह मैं चले मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ये डेटा जो है वो सेव करती हैं या कलेक्ट करती हैं, उनमें से किसी के पास भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक ये जो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसका बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड, यानी कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि लेट्स से कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में यासिर शाह ने किस बैट्समैन के अगेंस्ट उसकी एवरेज किया है, तो वो आप नहीं निकाल सकते। तो आई थिंक के, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, और भी इसमें आई थिंक वेस्ट इंडीज की भी होगी क्रिकेट, बांग्लादेश की भी होगी। अभी जो मैंने जो बॉल बाय बॉल जो डोमेस्टिक में देखा है डेटा, वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का है और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है उनमें है, तो उससे उनको ये हेल्प मिलती है कि आप जो है वो किस तरह के प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, अगर कोई प्लेयर रन्स कर भी रहा है तो वो किन कंडीशंस में कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एरिया है कि जिसके ऊपर काम होने वाला है, लेकिन फैजान पिछले 5-6 सालों में स्टैट्स के हवाले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, बहुत सारी नई चीजें सामने आई हैं, बल्कि अब तो यहां तक जो है वो आप बता सकते हैं कि एक बैट्समैन जो है अगर उसके ऊपर बाउंसर्स हो रहे हैं तो तब उसकी एवरेज क्या है, अगर उसको फुल लेंथ बॉल हो रही है तो तब उसकी एवरेज क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज भी सामने ये चीज भी जो है वो इंप्रूव हो ही जाएगी। आप इस बात से एग्री करते हैं कि स्टैट्स सब कुछ नहीं बता सकते एक प्लेयर के बारे में, बहुत कुछ बताते हैं लेकिन सब कुछ नहीं बता पाते, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है कि कंप्लीटली स्टैट्स पर रिलाई नहीं करते? जी बिल्कुल, आई थिंक ये कहना ठीक होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि अभी PSL में हमने काफी एक चीज डिस्कस की थी, कामरान अकमल का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट। कामरान अकमल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे और समित पटेल ने उनको 2-3 बार आउट किया हुआ है, तो लेकिन अगर आप कामरान अकमल का रिकॉर्ड देखें इमाद वसीम के अगेंस्ट तो वो बहुत अच्छे है। अब इमाद वसीम भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ये देखेंगे जी कि कामरान अकमल का लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो उनका कराची किंग्स का मैच हो रहा था आप उनको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि शुरू में आके इमाद वसीम ने जो है, क्योंकि इमाद वसीम के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो आई थिंक जो स्टैट्स होते हैं वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, जो फाइनल कॉल होती है आई थिंक वो आपकी इंस्टिंक्ट और जो क्रिकेटिंग स्किल्स है उसकी होनी चाहिए। यानी कि लेट से कि मैं अगर किसी कोच को कहता हूँ कि यार तुम कामरान अकमल को ड्रॉप कर दो, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट, तो जो अच्छा कोच होगा वो मुझे कहेगा कि भाई अगर तो वो शुरू के 1-2 ओवर्स निकाल लेगा, अगर वो 1-2 ओवर सर्वाइव कर लेता उसके बाद जो बॉलर्स आएंगे उसके अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड अच्छा है, या ओवरऑल जो कामरान अकमल का इम्पैक्ट है, या जो अगर एक जो रिस्क फैक्टर है कि अगर कामरान अकमल 50 रन कर जाता है तो उसकी टीम मैच जीत जाएगी। तो आई थिंक फाइनल जो कॉल होती है वो आपकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स और जो क्रिकेटिंग माइंड होता है उसकी होती है, डेटा आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है किसी हद तक। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप बहरहाल तो बुनियादी तौर पर ब्रॉडकास्टर के साथ काम करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ है कि टीम के कोचेज वगैरह ने या मैनेजमेंट स्टाफ ने या कप्तान ने आपसे अपने प्लेयर्स के बारे में स्टैट्स पूछो या मुखालिफ प्लेयर्स के बारे में स्टैट्स पूछो अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करने के लिए, और आपको लगा हो कि आपके इनपुट से इसके फैसले में कुछ असरअंदाजी हुई है? बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ऑब्वियसली उसको बता नहीं सकता, उसको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आपका पर्सनल रिलेशन होता है तो उसमें वो आपसे कोई चीज पूछ लेते हैं। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये हुई थी कि पिछला जो PSL था, लास्ट जो PSL था, उसके अंदर मैंने कोई इस तरह का ट्वीट किया था कि पिशावर का मैच था, मिसबा खेल रहे थे पिशावर की तरफ से, और खैर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इस तरह का था कि पिशावर का मैच था लाहौर के साथ, और उसके अंदर मिसबा का जो रिकॉर्ड था लेग स्पिन के ऊपर वो बहुत अच्छा था, और कामरान अकमल का रिकॉर्ड भी लेग स्पिन के ऊपर बहुत अच्छा था। तो मैंने ये ट्वीट किया था कि लाहौर के पास क्योंकि यासिर शाह है तो मिसबा और कामरान अकमल जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं लेग स्पिन को, तो लाहौर ने यासिर शाह को उस मैच में ड्रॉप करके हसान खान को खिला दिया था। तो वो इस हद तक जो है वो आई थिंक
लेकिन वो ये नहीं है कि मेरी वजह से हुआ, हो सकता है कि उनको ऑलरेडी भी ये चीज उनके नॉलेज में होती। तो यासिर शाह ने मुझे बाद में मजाक से बोला कि यार वो तुम्हारी वजह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक ही हद तक था। लेकिन आई थिंक आजकल जितने भी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं, जो कोचेज हैं, सबके पास इस तरह का डेटा होता है या उनके एनालिस्ट होते हैं, तो वो इस तरह के इनपुट्स देते रहते हैं। और ये चीज हमें इस बार भी पीएसएल में देखने को मिली है कि आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान्स ने जेम्स विंस को उन मैचेस में ड्रॉप किया जिसमें कि दूसरी टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, क्योंकि जेम्स विंस का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म स्पिन पे कोई इतना अच्छा नहीं था। तो आपको लगता है अब टीम मैनेजमेंट में, टीम स्टाफ में एक प्रॉपर स्टेट्समैन की जगह होनी चाहिए? एनालिस्ट तो होता है, बट एक प्रॉपर स्टैट्स प्रोवाइड करने वाला जिसके पास पूरा कंप्लीट डेटा हो, वो टीम मैनेजमेंट का ऐसा कोचिंग स्टाफ तो नहीं, बट एक कोच के साथ काम करने वाले स्टाफ में एक स्टैट्स वाले की भी एक जगह होनी चाहिए हर टीम में, डोमेस्टिक हो चाहे पीएसएल फ्रेंचाइज हो चाहे नेशनल टीम हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर जो स्टैटिस्टिशियन है वो कोई एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकता है, इवन दो कि मेरा ये डिपार्टमेंट है। लेकिन फिर भी अगर मैं फेयर ओपिनियन दूं, तो आई डोंट थिंक के जो एक स्पेसिफिकली आपको कोई बंदा चाहिए जो कि स्टैट्स का काम करे, क्योंकि जो टीम का एनालिस्ट होता है ये उसका काम है, ये टीम के एनालिस्ट की जॉब है कि वो आपको बताए कि इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर क्या है, यहाँ पे एवरेज विनिंग स्कोर क्या है, पावर प्ले में कितने रन होते हैं, पेस वर्सेस स्पिन यहाँ पे क्या क्या है, या अगर ओपोजिशन में जो बैट्समैन है वो किस तरह के बॉलर्स के ऊपर स्ट्रगल करता है, तो ये काम एनालिस्ट का है। उसके अंदर अगर आप एक एडिशनल उसकी हेल्प के लिए अगर कोई ला सकते हैं, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई चीज मैंडेटरी होनी चाहिए या कोई लाजमी चीज होनी चाहिए। मतलब आपको ट्विटर भी फॉलो करते हैं और आपके अक्सर ट्वीट्स भी देखते रहते हैं और आपके बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स होते हैं जो आप निकाल के लाते हैं, जो आपने बहुत सारे स्टैट्स निकाले हैं, आपकी नजर में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग स्टैट जो आपने निकालो आपको लगा और बड़ा हैरतअंगेज लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, जो खुद आपने इसको फाइंड आउट किया? फिजान काफी हैं, मैंने एक ट्विटर के ऊपर बल्कि मैंने थ्रेड भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारे वो इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड जो कि मैंने निकाले थे, ये नहीं कि वैसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ कि अगर मैं ना निकालता तो हो सकता है कि शायद वो अभी तक किसी को ना पता होते। तो एक उसमें वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड था कि दोनों ने सेम डेट के ऊपर सेम नंबर ऑफ इनिंग, सेम मैचेस, सेम सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 1000 रन मुकम्मल किए थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। फिर रिसेंटली लास्ट ईयर जब आयरलैंड का और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, तो उसके अंदर आयरलैंड एक सेशन में आउट हो गया था, तो मैंने ये देखना चाहा कि कौन सी जो टीम्स हैं वो एक सेशन के अंदर आउट हुई हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि पाकिस्तान दुनिया की वही टीम है 140 साल की हिस्ट्री में, जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, जो कभी सेशन में आउट नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा बैटिंग कोलैप्सेस होती हैं, एक अभी न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच था कि इनके आखिरी सेशन में भी 9 आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, दुनिया की वही टीम है जिसके कभी एक सेशन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई। तो ये एक दो स्टैट्स हैं जो कि अभी आप कह सकते हैं कि मेरे जहन में आ रहे हैं। उसके अलावा अभी मैं कल परसों एक मैं देख रहा था स्कोर कार्ड, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लाहौर में टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान का इंडिया का 1989 में, और उसमें इमरान खान ने 50 ओवर्स किए थे। तो मैंने जब इमरान खान की एज चेक की तो वो 37 थी, तो ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक 37 साल की उम्र में एक फास्ट बॉलर 50 ओवर्स कर रहा है एक इनिंग्स में। तो इससे पता चलता है कि उनकी फिटनेस कैसी थी, उनको कितना शौक था इस चीज का, और उससे एक सीरीज पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज में 23 आउट किए थे। तो इसी तरह इमरान खान से रिलेटेड मैंने भी रिसेंटली एक और चीज शेयर की थी कि वो दुनिया के वाहिद कैप्टन है हिस्ट्री में जिन्होंने 90 के ऊपर, जो कि 90s में थे, और उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया सियालकोट में श्रीलंका के अगेंस्ट। और वो शायद उस चीज का रिएक्शन था कि जब उन्होंने जावेद मियांदाद जब 280 के ऊपर थे अगेंस्ट इंडिया इन हैदराबाद, तो उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की थी, बड़ा रिएक्शन आया था कि इमरान खान को ट्रिपल सेंचुरी के लिए वेट करना चाहिए था। तो शायद इमरान ने उस चीज के रिएक्शन में ये दिखाया कि पर्सनल माइलस्टोन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी टीम का इंटरेस्ट जो है वो सामने होना चाहिए। आपसे कभी प्लेयर्स खुद कांटेक्ट करते हैं कि यार मेरा, मतलब प्लेयर्स को भी एक होता है कि यार मुझे अपने आप को जज करना है, आपने बताया कि पर्सनल रिलेशन पे कोचेस ने किया, प्लेयर्स ने भी इस तरह किया कभी कि यार बताओ जरा मुझे कि मेरी वीकनेसेस क्या है इस टेस्ट के लिए, या मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, क्या स्ट्रेंथ्स क्या है? नहीं, वीकनेसेस के हवाले से तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वैसे जो प्लेयर्स हैं वो अक्सर ऑन फ्रेंडली टर्म्स जो है वो पूछते रहते हैं, या आपको अक्सर वो मैसेज करके अप्रिशिएट भी कर देते हैं अगर कोई उनका आप वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईलाइट करें या अगर आप उनका कोई माइलस्टोन हाईलाइट करें। वेस्ट इंडीज में मुझे याद है कि हम एक बार फ्लाइट में थे, तो उस टाइम अजहर अली की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी,
तो अजहर अली ने वेस्ट इंडीज में भी दो सेंचुरीज की थी, तब अजहर अली ओपनिंग कर रहे थे, मेलबर्न में उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, ट्रिपल सेंचुरी की थी दुबई में, और वेस्ट इंडीज में उन्होंने दो सेंचुरीज की थी। तो उस दौरान उन्होंने मुझे फ्लाइट में मेरे से पूछा था कि वो कौन से पाकिस्तान के ओपनर्स होंगे जो जो कि फास्टेस्ट होंगे 1000 रन। तो इतफाक से लैपटॉप मेरे हाथ में था तो मैंने उनको उसी टाइम बता दिया था। तो इस तरह अक्सर कई लोग मैसेज भी कर लेते हैं, कई वैसे भी पर्सनली पूछ लेते हैं, तो वो आई थिंक इस तरह के मौके जो है वो आपको मिलते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा आपके करियर के हवाले से बात करना चाहूंगा, आपने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी क्रिकेट अनलिमिटेड प्रॉब्ली क्रिक लेंस के नाम से, आपका वहां से जर्नी और आज आप पाकिस्तान के बल्कि इनफैक्ट वन ऑफ दी टॉप मोस्ट ग्लोबल स्टेशंस में आपका शुमार होता है, ये जर्नी कैसे हुई और क्या क्या स्ट्रगल इसमें लगी और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे ताकि जो मजीद नए जो एस्पायरिंग है वो इससे कुछ लीड ले सके। देखिए फिजान, मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत लकी था कि मुझे सिखाने वाले लोग बहुत अच्छे मिले। अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल जाए जिनसे कि आप सीख सकें और उनका अगर कैलिबर अच्छा हो, ये आई थिंक के बहुत रेयर होता है। और मुझे जो लोग भी इस फील्ड में मिले वो एक से बढ़कर एक थे, वो अपनी फील्ड के अंदर आप कह लेंगे बेस्ट हैं। तो जब मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की थी क्रिक लेंस, तो मेरा एक सिर्फ शौक था। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था, तो उनका एक आइडिया था कि हम साथ साथ जो है वो क्रिकेट की भी एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे जो जो यानी कि उनकी जो कंपनी की जो पब्लिसिटी है वो उसके थ्रू हो सके। तो वो आई थिंक कि उसको मैं तकरीबन अकेले ही रन कर रहा था, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने उसको एक दो साल में उस वेबसाइट के साथ था, तो उस दौरान मुझे लिखने का इत्तेफाक हुआ। क्रिक इन्फो के ऊपर एक दो आर्टिकल्स लिखे मैंने, मैंने फिर विजडन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे। तो उस दौरान ट्विटर के ऊपर जो है मैं थोड़ा एक्टिव था, तो मुझे तारिक सईद की मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि तुम स्टैट्स को परसू करो, क्योंकि तुम्हारे आर्टिकल्स में ज्यादातर जो है वो स्टैट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर हेमंत बुच, आप भी जानते हैं बहुत उनको अच्छे तरीके से, तो 10 स्पोर्ट्स में उस टाइम वो थे, तो उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे से ऑनलाइन उन्होंने देखा मेरा काम के मैं किस हद तक जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उनको पसंद आया। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की एक सीरीज थी 2013 में, जब जो शान मसूद का भी डेब्यू था, तो उसके अंदर फिर मुझे मौका मिला प्रॉपर जो आपकी टीवी कवरेज होती है उसमें काम करने का। तो बस फिर वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था वो 2015 का वर्ल्ड कप था। उसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्समैन थे जो कि पूरी दुनिया से गए थे, एक इंडिया से था और एक इंडिया से था और दूसरा मैं था, उसके अलावा दो उनके कोई अपने इन हाउस लोग थे। तो उसके अंदर मैं स्टार स्पोर्ट्स के उस टाइम प्रोड्यूसर थे अजेश रामचंद्रन, अभी वो ICC में है, तो उन्होंने जो है मुझे उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया उस इवेंट के ऊपर काम करने का। तो वो इवेंट जब मैंने किया तब मुझे आइडिया हुआ कि मैं इसको जो है वो फुल टाइम चीज ले सकता हूँ और मैं प्रॉपरली इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैं यही कहूंगा कि मैं लकी था कि मुझे जो सिखाने वाले लोग थे, जैसे तारिक भाई हो गए, हेमंत भाई हो गए, तो मुझे सिखाने वाले लोग जो है वो बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल, और मजर अब अगर कोई नया बच्चा आना चाहे स्टैट्स की फील्ड में स्पेशली, तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसके लिए, कि क्या क्या चीजें रखें ताकि वो स्टैट्स में प्रॉपर काम करे। देखें फिजान, मुझे अक्सर ये लोग क्वेश्चन करते हैं और मैं उनको ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि स्टैट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप सीख सकते हो। आप कह लें कि जिस तरह पोइट्री होती है, तो पोइट्री को आप सीख नहीं सकते, अगर आपके पास बेसिक स्किल है तो आप उसको इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक के एक मतलब कि जिस तरह हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई इस तरह जो है किसी को देख के वो स्पोर्ट्स के अंदर स्टैट्स कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास बेसिक स्किल्स हैं ऑलरेडी, यानी कि उसको नंबर्स का शौक है, वो क्रिकेट के बेसिक स्टैट्स निकाल सकता है, रिकॉर्ड्स निकाल सकता है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तो वो कई टूल्स को, कई टेक्निक्स को यूज करके अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करके एक अच्छा स्टैट्समैन जरूर बन सकता है। तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपके पास बेसिक स्किल है तो आप तब जो है इसको इम्प्रूव करने का सोचें। ये आई डोंट थिंक कि कोई बैठे बैठे ये सोचे जी कि जिस तरह होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। आई डोंट थिंक कि इस तरह कोई स्पोर्ट्स में आ सकता है। और यही चीज आई थिंक फिजान आपको भी आइडिया होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना है या क्रिकेट राइटर बनना है। मैं जब इस फील्ड में आ रहा था तो मैं उस्मान समी दून को बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो मैं चाहता था कि मैं भी उस तरह से लिख सकूं, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं थी। कुछ लोग मतलब कि उस्मान का जो टैलेंट था वो एक बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था।
इसी तरह अगर कोई टीवी एंकर है, कोई कमेंटेटर है, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है. तो आई थिंक अगर आपका बेसिक स्किल्स हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, शुरू से आप उसको सीख नहीं सकते. बहुत बहुत शुक्रिया मदर, आपके टाइम का बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जो पेरेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं वो फॉलो करेंगे गाइडलाइंस, और आपके जो काम है वो सबके लिए ऑफकोर्स एक एग्जाम्पल है कि किस तरह आपने स्टेट्स को पाकिस्तान में स्टेट्स के शोबे को चेंज करके रखा. एंड ऑफकोर्स वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, और अच्छा काम करते रहें, और थैंक्स फॉर योर टाइम. फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मजीद कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में आप उससे मुझे आगाह करें. Thank you very much.